की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी के बहुउद्देशीय भवन में ग्राम प्रधान लीला देवी पहुंची। एसएसपी कार्यालय पहुंच ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि ग्राम सभा में कुछ लोगों के द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चरम पर पहुंच चुका है, जो कि क्षेत्र की जनता के लिए बेहद हानिकारक एवं शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का एक मुख्य कारण है। उनके द्वारा बताया गया कि ग्राम गोविंदपुर में 2 जगह, सुल्तान नगरी में 3 जगह, पश्चिमी खेड़ा में 1 जगह, पूर्वी खेड़ा में 2 जगह, नाबार खेड़ा में 3 जगह, देवला मल्ला में 4 जगह अवैध शराब का कारोबार खुलेआम किया जा रहा है, जो कि एक चिंता का विषय है। वही ग्राम प्रधान लीला देवी का कहना है कि कोरोना बीमारी के चलते हमारे उत्तराखंड पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। लॉकडाउन में पुलिस द्वारा जनता का घर से बाहर निकलना तक बंद करके महामारी को फैलने से रोक सकती है, तब क्या ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से तस्करों द्वारा बिक रही शराब पर लगाम नहीं लगा सकती। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि कारगोदाम पुलिस और अवैध रूप से शराब बेचने वाले तस्करों का खेल कई समय से चलता आ रहा है। उनका कहना है कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले पकड़े जाते हैं और कुछ घंटों के बाद वापस आकर फिर अपने शराब कारोबारी में लग जाते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि शराब तस्कर पुलिस के साथ उनकी गाड़ियों में घूमते हैं। जन प्रतिनिधियों के लिए दुख का विषय है कि हम अपनी आंखों के सामने ये चीज देख रहे हैं। ग्राम प्रधान लीला देवी का कहना है कि गोलापार खेड़ा चौराहे के पास पुलिस चौकी के बगल में ही 2 जगह अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र का माहौल बिगड़ता जा रहा है, लेकिन कारगोदाम पुलिस के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता। हालांकि कारगोदाम पुलिस को इसके बारे में सारी जानकारियां हैं। यदि पुलिस चाहती है तो अपने हिसाब से अवैध शराब बेचना बंद करा सकती है। उनका कहना है कि लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। कई बार कारगोदाम पुलिस को इस बारे में अवगत करा चुके हैं। जन प्रतिनिधियों के द्वारा जन समस्या आपके सम्मुख रखने के लिए आज हम आपके पास आए हैं। अवैध रूप से शराब बिकने पर पुलिस व जनता द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, साथ ही जन प्रतिनिधियों पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं। हम चाहते हैं शासन प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के हितों को देखते हुए अवैध शराब की बिक्री बंद होनी चाहिए। अवैध शराब की बिक्री के कारण क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन घरों में मारपीट, लड़ाई झगड़े की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि आप लोग पुलिस का सहयोग करें। हमारे द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति आपको अवैध शराब का कारोबार करता दिखता है, उसकी वीडियोग्राफी हमारे ग्रुप में भेजें। आपका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर एसपी का कहना है कि जब भी हमारी पुलिस दबिश डालती है, आप ही के आदमी अवैध शराब बेचने वालों को सूचना दे देते हैं, जिसके बाद वहां से लोग भाग जाते हैं। कानून में प्रावधान है, किसी भी शराब तस्कर को पकड़ने के बाद कुछ ही घंटों बाद उसकी जमानत कोर्ट से हो जाती है। साथ ही एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने ग्राम प्रधान लीला देवी से कहा, आप भी हमारा सहयोग करें। हमको कोई एक स्थान ऐसा दें कि हम एक महिला ऑफिसर एवं पुलिस आपको दे सके, जिससे कि तत्काल कार्यवाही करने में पुलिस को आसानी रहे। और साथ ही ऐसे जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनका वीडियो या फोटो हमारे ग्रुप में भेजें, जिससे कि तत्काल कार्यवाही हो सके। ज्ञापन देने वालों में प्रधान लीला देवी, उप प्रधान ललित जोशी, हीरा सिंह, विद्या देवी, राम सिंह, लाल सिंह, मनोज सिंह, विनीता, विवेक आदि लोग मौजूद थे। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। देखिए, खेड़ा गांव से कुछ महिलाएं, महिला प्रधान अपने कुछ प्रतिनिधि मंडल के साथ आज आई हैं। उन्होंने कई समस्याएं बताई, उनमें से एक है कि गांव में अवैध शराब की बिक्री है। इसके अलावा महिलाओं संबंधी भी कई समस्याएं हैं जो सामने आ रही हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक यह है कि जैसे ही उनको कोई सूचना मिलती है, तत्काल सूचित करें। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी उसके अंदर जारी कर रखा है कि शराब की बिक्री या अवैध मादक पदार्थों की बिक्री से संबंधित अगर कोई भी सूचना है, तत्काल हमारे उस नंबर पर भेजें। और उस नंबर पे आपकी गोपनीयता रखी जाएगी, आपके नाम की और सूचनाकर्ता की, और तत्काल कार्रवाई होगी। और इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हम लोग बना रहे हैं, ताकि तत्काल फ़ोटो खींच के उसको अपलोड करके संबंधित थाने को या चौकी को तत्काल भेजा जा सके, ताकि उस पर रिएक्शन हो सके। और उसमें सभी उच्चाधिकारी शामिल रहेंगे, ताकि घटना पर कोई कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, उस पर भी नियंत्रण रखा जा सके, सुपरविज़न भी किया जा सकता है उसका। हम लोग जब नामोई हाउस
सर ये अवैध शराब बिक रही है, अवैध शराब के लिए है सर, अवैध वलापार खेड़ा। हमारे से सर शिकायत करते हैं लोग, ग्राम प्रधान बोल रही हूँ मैं, ग्राम खेड़ा से लोगों की शिकायत आती रहती रात दिन सुबह शाम आते हैं कि शराब हमारे ही खेड़ा में 8 जगह बिक्री है सर, हमारे ही ग्राम सभा खेड़ा में। आपने इसी कंप्लेंट थाने चौकी में करी सर? थाने चौकी में करी, वहाँ से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। क्या कहना उनका? उनका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कौन लोग जो शराब बेचते हैं पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं उन लोगों को। ये कौन लोग जो शराब बेचते हैं सर? कौन लोग ये? सर वहीं के ही हैं, गांव के ही हैं। गांव के ही सर? आपका नाम? सर लीला देवी, ग्राम प्रधान खेड़ा। हम ग्राम सभा खेड़ा में, और जो काड़ूदाम थाना आता है 4 किलोमीटर के अंदर में दायरे में 16 जगह हमारे यहाँ अवैध शराब बिक्री, कई बार थानों में अवगत करा चुका है पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है। और आज हम SSP साहब को ज्ञापन दे रहे हैं, अगर ज्ञापन के माध्यम से अगर 10 दिन के अंदर यह अवैध शराब को बंद नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए सारे ग्राम जनप्रतिनिधि तत्पर होंगे। आपने काड़ूदाम चौकी में थाने में कंप्लेंट की होगी, तो क्या कहना है लोगों से? कई बार अवगत करा चुके हैं उनको, पर वहाँ से आश्वासन ये था उनको पकड़ा जाता माफियों को, उसके बाद कुछ घंटे बाद छोड़ दिया जाता, फिर वो अपनी दारू बेचने की प्रक्रिया में स्टार्ट हो जाते हैं। तो बड़ा दुख का विषय है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पास आए दिन लोग अपनी समस्या लेके आते हैं कि ये दारू को बंद करवाओ। पुलिस पर तो जनता सवाल उठा ही रही है, पर एक जनप्रतिनिधि पर भी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि आपके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं लिया जा रहा है कि जिससे दारू बंद हो सके ग्रामीण में। ये बाहरी लोग हैं या वहीं के रहने वाले हैं? लोकल के लोग हैं, कुछ बाहरी लोग हैं, पर एक दुख का विषय है, जब लॉकडाउन में पुलिस लोगों का घर से निकलना बंद कर सकती है, क्या इस अवैध शराब को बिकने से प्रतिबंध नहीं लगा सकती है? एक दुख का विषय है। आपका नाम? अर्जुन सिंह बिष्ट, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य खेड़ा।